दोस्तों, पाचन तंत्र ऐसे मशीन की तरह होता है जो कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, और यही वजह है कि पाचन में किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी होने से इसका हमारी आँख, हड्डी, त्वचा, दिमाग और पूरे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे खाया हुआ खाना बहुत देर से पचना, कब्ज, सीने में जलन, ठीक से भूख ना लगना और खाने के बाद भारीपन महसूस होना कमजोर पाचन की निशानी होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पाचन खराब होता क्यों है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, खाना ठीक से पचने के लिए पेट में तीन चीज़ों का होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें पहला है एंजाइम्स यानी पाचक रस, दूसरा है प्रोबायोटिक यानी अच्छे बैक्टीरिया, और तीसरे है डाइटरी फाइबर। अगर पेट में इन तीनों में से किसी एक की भी कमी होती है, इससे पाचन में खुद ब खुद गड़बड़ी पैदा होने लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम्स यानी पाचक रस के बारे में। दोस्तों, हमारे पेट में पाचक रस खाना को तोड़ने का काम करता है। पहले के जो हमारे मुंह के अंदर लार होते हैं उसमें भी पाचक रस मौजूद होते हैं, इसलिए खाना जितना ज़्यादा चबाकर खाते हैं उतना ही ज़्यादा मुंह के लार भी खाने के साथ पेट में पहुँचती है, और उस लार में मौजूद पाचक रस खाने को आसानी से पचने में मदद करता है। इसलिए खाना हमेशा ही अच्छे तरह से चबाकर खाना चाहिए। उसके बाद खाना पेट में जाने के बाद हमारा पेट भी पाचक रस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि खाना को और भी अच्छी तरह से तोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि अक्सर लोग खाने के तुरंत बाद ही पानी पी लेते हैं, और खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बीच में पाचक रस की मात्रा ठीक से नहीं निकल पाती, जिससे कि पाचन में गड़बड़ी होने लगती है। इसलिए पानी हमेशा ही खाना खाने के कम आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए, और खाना खाते समय एक मिनट पहले एक बटन के आकार कच्चे अदरक को चबाकर खाना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि कच्चा अदरक पेट में जाने के बाद पाचन रस की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे खाना पचने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसलिए पाचन रस की कमी को पूरा करने के लिए जो चीज़ कच्चा खाने के लायक होती है उसे अपने खाने में शामिल करना चाहिए, जैसे खीरा, गाजर जैसी चीज़ों का सलाद के रूप में शामिल किया जा सकता है। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो दूसरी चीज़ जरूरी होता है वह सही मात्रा में अच्छे बैक्टीरिया का होना। पेट में अच्छी बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाने के लिए दो चीज़ों में से किसी एक का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, जिसमें एक है दही और दूसरा है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। इन दोनों चीज़ों में अच्छे बैक्टीरिया बहुत ही अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, जो कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। अगर दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं, थोड़ी सी दही में एक चुटकी जीरा पाउडर मिलाकर सुबह के नाश्ते या दोपहर में इस्तेमाल किया जा सकता है। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए जो तीसरी चीज़ जरूरी होती है वह है डाइटरी फाइबर। दोस्तों, अगर आपके खाने में फाइबर ना हो तो आपके कब्ज होना और खाने के बाद पेट में गैस बनना पक्की बात है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वह खाने में मौजूद फाइबर ही होता है जो कि सभी पोषक तत्व को कंट्रोल करता है, और यह आंतों में जमे बेस्ड पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसलिए खाते समय एक से दो ऐसी चीज़ों को जरूर खाना चाहिए जिसमें फाइबर की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके, जिससे कि कब्ज और गैस की समस्या ना हो।